गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आम पंचम श्रेणीर ओडिया व्याकरण पढ़वा है। देख ओडिया व्याकरण पाठ एक भाषा और व्याकरण अवशिष्ट अंश को आज आम पठन करवा समस्ते देख देख भाषा एपरी एक माध्यम जहाद्वारा आम आम मनोभाव को अन्य निकटे प्रकाश कर पार और अन्यर मनोभाव को जापार ओ बुझी पारु जहाँ माध्यम रे आमे आमर मनोभाव को अन्य निकटे प्रकाश करी थाऊ वा अन्यर मनोभाव को आमे बुझी थाऊ ताहाकु आमे भाषा कहू हला। परस्पर मधेरे भावर आदान प्रदान जो माध्यम रे होइथाय ताहाकु भाषा कहुजे। मुख निसृत सुनिर्दिष्ट अर्थयुक्त ध्वनि संकेत को भाषा मध्य कहुजे। देखो भाषार रूप तो यही भाषा दुई प्रकार रूप अच्छी। भाषा केते प्रकार दुई प्रकार भाषार दुई प्रकार रूप अच्छी जथा कथित भाषा और लिखित भाषा। तो कथित भाषा क्या कहा जाए ता विषय आम आज पढ़वा है। जो कथा को पाटी में कह जाए ता कथित भाषा। जो कथा को आम निज मुखर कही थाऊ आम कथित भाषा कह। आमे जो भाषा परस्पर मधे कथबार्ता होता कथित भाषा। तो आमे जो भाषा परस्पर मधे कथबार्ता होता कथित भाषा कहा जाए। जथा राम गोपाल तु काली कुआडे जाइथिलु तापर गोपाल मु काली मामू घर को जाइथिलु। राम तु केतेबेले घर को आसी फेरिलु तापर गोपाल मु आजी सकाले घर को फेरिली। ए होची कथित भाषा निज मध्यरे कथबार्ता हेबा को कथित भाषा कही था। तो लिखित भाषा आमे जेतेबेले आम मनर भावना को लेखी करी अन्य को जणाई थाऊ। आमे जेतेबेले आम निजर मनोभाव को अन्य निकटरे लिखित आकार रे प्रकाश करी थाऊ हां बा लेखी करी अन्य को जोड़ाई था। आम मनर भावना को अन्य को लेखी करी जोड़ाई था ताकु लिखित भाषा कहा जाए। भाषा लिखित रूप को लिखित भाषा कहा जाए। भाषार लिखित रूप को लिखित भाषा कहा जाए। लिखित भाषा ही भाषार स्थायी रूप। भाषार स्थायी रूप के भाषा ना लिखित रूप। भाषार स्थायी रूप होची लिखित भाषा। जथा तनुलता मामूं पाख को चिठी लिखुची मनोज कविता टीए लेखिला हला। लिखित भाषा को पढ़ी आमे अन्यर मनोभाव को बुझी पारू। लिखित भाषा को पढ़ी आमे अन्य लोकंर मनर भावना को बुझी पारू। आमर दूर आमर मनोभाव को आमे लिखित भाषा माध्यम रे दूर रे थिबा लोकंर निकट रे पहुंचाई। तो जो मैंने दूर से थानक मनर भावना जानापी आम कौन करा चिठी पठाई था। चिठी आम आम मनर भावना को लेखिकी ताक पठाई था। तो यह भाषार रूप। भाषा रूप भाषा दुई प्रकार कथित भाषा और लिखित भाषा। तो कथित भाषा आम कथबार्ता माध्यम रे मनर भावना को आदान प्रदान को कहा जाए कथित भाषा। एवं आम आम मनर भावना को लिखित आकार रे प्रकाश करने को कहा जाए लिखित भाषा है।